वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझसे शादी के लिए हाँ क्यों की? सुना तुम बहुत अमीर हो, पापा का अच्छा खासा कारोबार है, बड़ा बिजनेस है, बस इसी वजह से मैंने तुमसे शादी करने के लिए हाँ करी है, क्योंकि मैं अपनी लाइफस्टाइल के साथ ना कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती। नहीं, तुमने बहुत गलत सुना है। ना मेरे पास पैसा है, ना बड़ा कारोबार, ना अपना बिजनेस, कुछ भी नहीं है मेरे पास। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे पापा ने तो बताया था कि तुम लोग बहुत अमीर हो, तुम्हारा बहुत बड़ा बिजनेस है, फिर ये सब क्या है? तुम्हारे पापा ने सब कुछ इसलिए कहा था क्योंकि अमीर मेरे पापा हैं, मैं नहीं। बिजनेस मेरे पापा का है, मेरा नहीं। मैं तो बेरोजगार हूँ। अरे ये तो कोमल है ना। हाँ तो बात तो वही हुई ना, तुमने तो बेवजह डरा दिया था मुझे। हाँ नहीं तो बात वो नहीं है, ये सब कुछ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपने पापा के साथ नहीं रहने वाला हूँ। शादी के बाद मैं अलग रहूंगा और अपने बल पर अपना बिजनेस खड़ा करूंगा। ये शेखर पंत के साथ क्या? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अगर तुम अपने पापा की सारी प्रॉपर्टी छोड़ दोगे तो फिर हम रहेंगे कहाँ? वो क्या बात है ना, बचपन से मेरी खुद की कोई पहचान नहीं रही। आज तक जितने भी लोग मुझे जानते हैं मेरे पिताजी के नाम से मुझे जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी खुद की पहचान हो, मेरा खुद का रुतबा हो, लोग मुझे मेरे नाम से जाने, ये कहें कि ये शेखर पंत जा रहा है। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मेरी बीवी को लोग मेरे नाम से जाने, ना कि मेरे पिताजी के नाम से। और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बचपन से जो चीज़ मैं बर्दाश्त करते हुए आ रहा हूँ वो अब और नहीं करूँगा। मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं खुद की मेहनत करके खुद की अलग ही पहचान बनाऊँ। और तुम टेंशन ना लो, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे भरोसा है कि अगर तुम्हारा साथ मेरे पास होगा तो मैं जिंदगी में जरूर कामयाब होऊंगा। तुम पागल हो? तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ सुनने के बाद मैं तुमसे शादी करूंगी? तुमसे शादी करने के लिए हाँ इसलिए करी थी क्योंकि तुम्हारे पास पैसा था। अगर अपना पैसा ही छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी फिर? कोमल, पैसा हर चीज नहीं होता है। पैसे का क्या है, वो तुम कमा लेंगे। मुझे चाहिए एक प्यार करने वाली लड़की, मुझे तुम चाहिए, मुझे तुम पसंद हो और मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। बताओ रहोगे मेरे साथ गरीबी में? नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस एक लग्जरियस और एक एडवेंचरस लाइफ चाहिए जो कि पैसे से आती है, ना कि प्यार से। देखो मैं तुम्हें पूरे 2 दिन का वक्त दे रही हूँ, ठीक है? 2 दिन बाद इसी जगह पे हम दोबारा मिलेंगे। तब तक सोच समझ के अपना ये डिसीजन चेंज कर लेना और अपने पापा के साथ रहने लग जाओ, वरना तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम अपने पापा के साथ रहोगे तभी मैं तुमसे शादी करूँगी, वरना नहीं। मुझे तुम पसंद हो इसलिए 2 दिन बाद तुमसे मैं ज़रूर मिलूंगा यहाँ पर अपना फैसला सुनाने के लिए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। कॉफी के पैसे हैं या फिर वो भी मैं दे जाऊँ? अभी अपने पिताजी के साथ रहता हूँ मैं, पैसे हैं मेरे पास। ठीक है। क्या बात है, सही लड़का फंसा लिया इसे तो। इसे तो पता भी नहीं होगा कि इसके सामने कौन बैठा है। कोई नहीं, जब मिलेंगे तब बता दूंगा। सही है, लड़की तो अच्छी है। पर थोड़ी पैसे की लालची है। हाँ जी पापा। नहीं नहीं पसंद तो है पर मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है। पापा? हेलो। हाँ पापा बोलो। हाँ कोमल बेटा, पसंद आया तुझे शेखर? कैसा लड़का चुना है पापा आपने मेरे लिए, उस लड़के को तो बात करने की भी तमीज नहीं है। शादी करूंगी मैं उससे, कभी भी नहीं। अरे ये क्या बोल रही है बेटा, शेखर तो बहुत शरीफ और सुलझा हुआ लड़का है। पापा मुझे लगता है कि आपको ना गलत फहमी हो गई है, वो बस दिखता शरीफ है लेकिन है बहुत बदतमीज। उसे बिल्कुल भी अकल नहीं है कि लड़कियों से कैसे बात करते हैं, उससे शादी करके तो मैं फंस जाऊंगी। देख बेटा तुझे कोई गलत फहमी हुई है, लगता है तो किसी और से मिलके आ गई है। देख तो अपने पापा से प्यार करती है ना, तो एक बार मेरे कहने से उससे दोबारा मिलके आ। ठीक है पापा, अगर आप कह रहे हो तो मैं उससे दोबारा मिल लूंगी। मैंने आज तक आपकी कोई भी बात नहीं डाली है, ये भी नहीं डालूंगी। चल ठीक है बेटा, मैं 1-2 दिन में ना तेरी और शेखर की मीटिंग कराता हूँ। ठीक है पापा, मैं मिल लूंगी। ओके बाय। अच्छा वो सब छोड़ बेटे, तूने शेखर पंत को फंसा लिया। कहाँ फंसाया यार, मैंने तो सोचा था कि मोटी पार्टी निकलेगा, पैसा वैसा होगा, लाइफस्टाइल अपग्रेड होगा,
कुछ भी नहीं है। अबे कैसी बात कर रही हो, उसके खानदान में सारे अमीर हैं और तू कह रही है कि कुछ भी नहीं उनके पास। भाई पैसे वाला वो नहीं है, उसका बाप है, प्रॉपर्टी बिजनेस सब कुछ उसके पापा का है, उसके नाम तो बूटी कौड़ी भी नहीं है। और वो कह रहा है कि ये सारी चीजें छोड़ के वो मेरे साथ अलग रहेगा, ऐसे रहूंगी मैं उसके साथ। अबे ओ तुझे ना गलतफहमी हुई है, तुझे पता लगाना चाहिए शेखर पंत के पास इतना पैसा है ना कि हम जैसे 50 लोगों को खरीद ले, बाप तक की तो बात ही नहीं जाने दे। ये सब तुम क्या बोल रहे हैं, मुझे लगता है तुझे सच्चाई नहीं पता। मैं बताऊं, उसे ना तुझे झूठ बोला होगा ताकि वो तेरा टेस्ट दे सके, ताकि उसे पता चले कि क्या तू पैसे पे मरती है। उसको ना फील मत होने दियो कि तू उसके पैसे के पीछे है। अगर वो ना तुझे शादी के लिए मान गया ना तो तू क्या, तेरे बच्चे भी ना रईसों वाली जिंदगी जियेंगे। तो वो पैसे वाला, उसके पापा पैसे वाले, उसके दादा भी पैसे वाले, अबे इतना पैसा है ना कि गिनते गिनते थक जाओगे तुम लोग। मिलना था और सब कुछ क्लियर कर लूंगी, वरना मेरे हाथ से निकल गया ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं चलती हूँ, ठीक है, बाय। अरे सॉरी यार कोमल, मैं थोड़ा लेट हो गया। अरे वैसे तो माँ जितनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ जितना टाइम गवाना था मैं गवा चुकी हूँ, अब मैं और नहीं टाइम गवाना चाहती। मुझे समझ आ गया है, मुझे रियलाइज हो चुका है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। क्या तुम्हें रियलाइज हो गया कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है? अरे यार जब तुम्हें रियलाइज हो ही गया है तो मैं भी तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। दरअसल बात यह है ना, मैं तुमसे झूठ बोला था कि मेरा बिजनेस सेटल्ड नहीं है, मेरा सेटल्ड बिजनेस है। और अगर शादी के बाद मैं अपनी फैमिली से दूर भी हो गया ना तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। हाँ मुझे इसके बारे में पता चला, रोशन ने मुझे सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में। हाँ रोशन से मैंने ही कहा था ये सब कुछ तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हें भी पता चले कि पापा से जुदा होने के बाद भी मैं गरीब नहीं हूँ। अच्छा बट मुझे ये चीज समझ नहीं आई, आप ये बात मुझे डायरेक्टली भी तो बता सकते थे, आपने रोशन के थ्रू क्यों ये बात बताई मुझे? ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं जानना चाहता था कि तुम सिर्फ पैसे से प्यार करती हो या फिर मुझसे भी प्यार करती हो। पहले मुझे लगता था कि तुम्हें पैसा चाहिए एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा ही चाहिए। तुम्हें मुझसे, मेरे परिवार से, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी से भी कोई मतलब नहीं है। तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद करने चली हो मुझसे शादी करके, वो भी सिर्फ पैसे के लिए। तुमने ये नहीं देखा कि मेरे अंदर क्या गुण है क्या गुण नहीं है, तुमने सिर्फ ये चीज देखी है कि मेरे पास पैसा है। तो मैं तो उसी दिन मना करना चाहता था जब मुझे पता चला था कि तुम पैसों के पीछे बहुत ज्यादा लालची हो, लेकिन अपने पिताजी के कहने पर मैं थोड़ा वक्त लिया और आज तुमसे बात कह रहा हूँ। शेखर देखो हर इंसान अपनी भलाई के बारे में सोचता है, हर किसी के सपने हैं ख्वाहिशें हैं, और मैंने भी बस वही सोचा, इसमें गलत क्या किया? तुम सही कह रही हो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जो गलत चीज है कि वो सिर्फ पैसों के पीछे लालची हो जाना। तुम पैसों के पीछे अंधी हो चुकी हो, और पैसों का हद से ज्यादा लालच इंसान को अंधा बना देता है, उसे फिर रिश्तों के मायने भी समझ में नहीं आते, इंसान खुद की जिंदगी को बर्बाद कर देता है, खुद के परिवार को तोड़ देता है पैसों के खातिर कई बार। ये तुम्हारी गलती है कोमल। कोमल तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन यार ये पैसों का लालच छोड़ दो, मेरे पास इतना पैसा है कि मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन मैं जिंदगी भर ये दुख झेल कर नहीं जी सकता कि तुम मेरे पास सिर्फ पैसों के लिए हो। देखो मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें 2 दिन बाद अपना फैसला बताऊंगा, तो मेरा फैसला ये है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तुम अच्छी लड़की हो सके तो ऐसे लड़के को चुनना जो तुमसे प्यार करता हो और तुम भी उसके लिए उतनी ही लॉयल हो जितना लॉयल हो तुम्हारे लिए हो। अगर ये चीज़ें रहेंगी तो जिंदगी में खुश रहोगी, अदरवाइज दुखों का सामना करना पड़ेगा जिंदगी भर बहुत ज़्यादा। अच्छा मैं चलता हूँ, ख्याल रखना।